गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का 4 मार्च 2020 को शिफ्ट 1 का पेपर मैंने लिया हुआ है। चूंकि 3 मार्च के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों पेपर्स मैंने कल और परसों आपको करा दिए थे, तो फिर ये टाइम है आज आपके पास कि शिफ्ट 1 4 मार्च का आज हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और आप बताएं कौन सा आप चूज करना चाहेंगे। यहां पे ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, कौन सा आंसर चूज करना चाहेंगे। ईडियम है आपके पास एक बैक टू स्क्वायर 1 पढ़ा होगा आपने, कौन सा आंसर लेना चाहेंगे आप इसमें, बोलिए बच्चों जवाब दें। बैक टू स्क्वायर 1 का कौन सा आंसर लेंगे आप? बैक टू स्क्वायर 1 का क्या होता है, याद है आपको? बैक टू स्क्वायर 1 का आंसर होता है कि आप किसी पुराने बिंदु पर, यानी जहां से आपने शुरुआत की थी वहीं पे आप क्या हो जाएं, वापस आ जाते हैं, तो यू आर बैक टू स्क्वायर 1। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, नेग्लेक्ट समथिंग नहीं, ड्रॉ अ स्क्वायर नहीं, मूव अहेड नहीं, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, यानी मूल बिंदु से जहां से आपने शुरुआत की थी वहीं पे वापस आ जाना, इज कॉल्ड बैक टू स्क्वायर 1। यहां आपको कॉमन एरर ढूंढना आपको कि क्या गलत है यहां पे, सॉरी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है कि कौन सा पोर्शन चारों में से कौन सा पोर्शन यहां सुटेबल है, नो इंप्रूवमेंट है या फिर करेक्शन करने की आवश्यकता है। वाक्य को देख ले आप, टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, यानी बैटल फील्ड पर लड़ना अपने देश के लिए नीड्स, इसके लिए जरूरत होती है अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, एक बहुत मजबूती की। कौन सा ऑप्शन, नो इंप्रूवमेंट लेना चाहेंगे या इन तीनों में से कोई लेना चाहेंगे, क्या आंसर होना चाहिए आपका? टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द शेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, क्या अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ हो सकता है? नहीं, क्योंकि अ लॉट्स होता ही नहीं है, वैसे भी स्ट्रेंथ की वहां जरूरत नहीं पड़ती आपको। ग्रेट करेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहां बैटल फील्ड में लड़ने के लिए आपको स्ट्रेंथ से ज्यादा साहस की जरूरत पड़ती, धैर्य की जरूरत पड़ती है, दिस इज अ ग्रेट करेज। यहां करेज चूंकि अनकाउंटेबल नाउन के रूप में है इसलिए इसके पहले आपने ए नहीं लिया है। नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, कोई एक्चुअली इस तरीके का वर्ड नहीं यूज करें, स्ट्रांगनेस की आपको जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी यहां दिया गया था आपको। द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस ये भी नहीं होगा फिर आपका, अगर आपको युद्ध में लड़ना है तो किसकी जरूरत है, करेज की जरूरत है आपको, है ना, साहस की जरूरत पड़ती है। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बता दें, कौन सा वर्ड चारों में से ऐसा है जो गलत है, चारों वर्ड्स में से कौन सा शब्द गलत है, कंजम्पशन, क्रोनोलॉजी, कंप्रोमाइज या कॉम्पिटेंस, कौन सा वर्ड इसमें गलत है? अपने आजमाएं बच्चों, खुद को आजमाएं कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। कंजम्पशन गलत है, गलत है तो क्या गलत है, क्रोनोलॉजी गलत है तो क्या, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्पिटेंस, कंजम्पशन क्या सही बच्चों? ये किससे बना है, कंज्यूम से, तो कंज्यूम का जब आप नाउन बनाएंगे तो याद है ना आपको क्या होता है, कंजम्पशन। ये जो एम के बाद ए लिया गया यहां पे, ये ए गलत है, इस ए के स्थान पे क्या होना चाहिए था, पी होना चाहिए था, कंजम्पशन मीन्स क्या होता है, उपभोग। क्रोनोलॉजी सही है, सी एच आर ओ एन ओ एल ओ जी वाई, क्रोनोलॉजी जो चीज समय के आधार पर अध्ययन किया जाता हो वो क्रोनोलॉजी कहलाता है। कंप्रोमाइज समझौता, कॉम्पिटेंस क्षमता, ठीक है, तो आपका आंसर कंजम्पशन हो जाएगा, ए के स्थान पे पी हो जाएगा। एक्टिव फॉर्म या पैसिव फॉर्म है, आपको इसका सही ऑप्शन ढूंढना है। वाक्य है, दिस ब्यूटिफुल स्टोरी वॉज रिटन बाई
माया। क्या आंसर चूज करना चाहेंगे? सारे बच्चे देखें आप, जो भी हैं सारे बच्चे देखें आप। दिस ब्यूटिफुल स्टोरी वॉज रिटन बाई माया। सबसे पहले ये तय कर लें ये एक्टिव वैश है या पैसिव वैश है, और फिर इन वाक्यों को देखें कि इनमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। मेरा क्लू हमेशा याद रखें, एक्टिव वैश में दिया गया है तो आपका आंसर इंडेफिनिट टू कंटिन्यूअस में जाएगा, कंटिन्यूअस टू कंटिन्यूअस प्लस बीइंग में जाएगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, मॉडल है तो मॉडल प्लस बी हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी पैसिव है तो उसका पूर्ववत ले लीजिए, यानी पहले वाली अवस्था में वापस आ जाइए। दिस ब्यूटिफुल स्टोरी वॉज रिटन, कौन सी वैश है? पैसिव वैश, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो अगर ये वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव वैश है, अब ये वॉज बता रहा है ना कि आप पास्ट कंटिन्यूअस आपने लिया है पैसिव में, तो एक्टिव में कौन से टेंस में रहे होंगे आप? पास्ट इंडेफिनिट में। देखते हैं, माया राइट्स द फिनिश, माया रोट पास्ट इंडेफिनिट है, हो सकता है, माया इज राइटिंग फिनिश, माया वाज राइटिंग फिनिश, बिना किसी रूल बाउंड होकर के भी आप ये कर सकते हैं, बस वो रूल मेरा तैयार कर लेंगे तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। जो बच्चे पहला और दूसरा सेट किए हो वो समझ रहे होंगे ज्यादा, जो नहीं किए हो फिर से शुरू से देख लेंगे, वहां मेरे रूल्स भी आपको दिए हुए हैं। एंटोनिम ढूंढना आपको लिबर्टी का, लिबर्टी का एंटोनिम क्या होगा? कन्वीनियंस होगा, इंडिपेंडेंस होगा, डिलीवरेंस होगा या डिपेंडेंस होगा? लिबर्टी का एंटोनिम चारों में से क्या होगा? कन्वीनियंस, इंडिपेंडेंस, डिलीवरेंस, डिपेंडेंस। लिबर्टी क्या होती है? स्वतंत्रता, ठीक है ना, लिबर्टी स्वतंत्रता। कन्वीनियंस होगा क्या? कन्वीनियंस सुविधा को कहते हैं, सुविधा कैसे एंटोनिम हो सकती है स्वतंत्रता की? नहीं। इंडिपेंडेंस होगा क्या? नहीं, ये तो उसका सिनोनिम हो जाएगा। डिलीवरेंस होगा क्या? डिलीवरेंस मुक्ति को कहते हैं, तो स्वतंत्रता भी तो मुक्ति ही है, ये भी नहीं होगा। डिपेंडेंस क्या होता है? निर्भरता हो जाएगा ना। लिबर्टी में स्वतंत्रता, जबकि डिपेंडेंस निर्भरता, यानी एक में आप मुक्त हैं और एक में आप किसी पर निर्भर हैं, तो लिबर्टी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस हो जाएगा। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है, चारों शब्दों में से कौन सा शब्द गलत है, बोले टैमरिंड, ट्रेजर, टर्मोइल या ट्रुथफुल। टैमरिंड इमली को कहते हैं, ट्रेजर किसी संचित निधि को कहते हैं, टर्मोइल उथल पुथल को कहते हैं, जहां पे खलबली मच जाती है वहां पे टर्मोइल होती है, ट्रुथफुल जो सच्चाई से भरा हुआ होता है। टैमरिंड टी ए एम ए आर आई एन डी सही है, ट्रेजर सही है क्या? क्या ये स्पेलिंग होती है या ये होती है? ये टी आर ई ए एस यू आर ई, और यहां क्या लिखा है? टी आर ई ए गायब कर दिया गया, यानी ये आपका आंसर है दूसरा, ट्रेजर टी आर ई ए होगा आपका, ठीक है। ये वर्ड याद कर लीजिएगा, टर्मोइल उथल पुथल या खलबली को कहते हैं, ये वर्ड जानते होंगे आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे। स्टैम्पीड होती है ना, उथल पुथल, खलबली मीन्स भगदड़ जिसको आप कहते हैं, दिस इज टर्मोइल। चलिए, ये आपका क्लोज टेस्ट है, अपनी कोशिश करें और पहले वाले ऑप्शन में बताएं क्या होगा। और स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी समय पर अगर कोई कार्य कर लेते हैं तो वो बेहतर होता है अपेक्षाकृत देर से करने से, क्योंकि तब और मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। दिस वाइज सेइंग, ये बुद्धिमानीपूर्ण जो कथन है सजेस्ट, वो बताता है दैट की एन डैश एक्शन, कि एक ऐसा एक्शन, कैसा एक्शन आगे देखेंगे, टेकन ऑन टाइम, जो सही समय पे लिया गया हो, टू रेक्टिफाई एन एरर, एक गलती को सुधारने के लिए, रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी, वह संभावना को रूल्स डैश कर देता है। कैसे कर देता है देखेंगे, ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ सचर, ऐसी बहुत सारी गलतियों को, एंड और फ्यूचर डैश, और भविष्य की ऐसी बहुत सारी चीजों को खत्म कर देता होगा। विजडम बुद्धिमत्ता,
देयरफॉर इसलिए लाइज निहित होती है इन करेक्टिंग द एरर, कि हम किसी गलती को सुधारें, सही करें, एज सून एज जितनी जल्दी हो सके, इट इज डैश मतलब जितनी जल्दी हो सके उसे डॉट डॉट करने में उसे हम सुधार लें। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउिंग, यानी इस बात में कोई वॉट पॉइंट नहीं है, यानी बिंदु नहीं है कि आप अनुमति दें, होने दें द डैश टू ग्रो, यानी उसे बढ़ते रहने दें, एंड देन टेक हॉस्टी एक्शंस, और जो कि वो समस्या आपकी बढ़ जाए, फिर जल्दीबाजी में कार्य करें टू सेट थिंग्स राइट, की चीजें सही हो सके। ठीक है, तो बोले पहले बारे में क्या होगा बच्चों, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, दिस वाइज शेइंग सजेस्ट दैट एन, क्या लेंगे आप, एन सुपरफेशियल एन अप्रोप्रिएट रॉन्ग आर अपोजिट, क्या लेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप एक चीज समझ जाएंगे, दो ऑप्शन इसमें से तुरंत आप क्या कर लें, हटा दें, एलिमिनेट कर दें, कौन से दो, सुपरफिशियल और रॉन्ग, क्यों कर दें समझ रहे ना, क्योंकि यहां पर एन लगा है, तो फिर मन में तुरंत ये दो खत्म हो जाएं, और एप्रोप्रिएट और अपोजिट आ सकता है, तो अगर ये वाइज सेइंग है तो निश्चित ही आपका कदम कैसा होना चाहिए, आपका एक्शन कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए ना, तो सही के लिए अपोजिट तो लेंगे नहीं आप, क्या लेंगे आप, एप्रोप्रिएट लेंगे आप। ठीक है, तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन, और यहां क्या ले लिया था आपने, अप्रोप्रिएट, यही लिया था आपने, अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी, वह उस संभावना को रूल फार कर देता है, या रूल आउट कर देता है, या रूल इन कर देता है, या रूल ऐड कर देता है, कौन सी संभावना को, कई सारी गलतियों को करने की, यानी कई सारी गलतियों की करने की संभावना को क्या कर देता है, रूल फार, कोई सेंटेंस नहीं बनेगा आपका, रूल आउट कर देता है, क्या कर देता है, रूल आउट, रूल आउट मीन्स खारिज कर देना, यानी अगर आप कई सारी गलतियां करते हैं तो वो गलतियां करने की जो संभावना है वो रूल आउट हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपने समय पर एक्शन लिया, क्या किया, कार्य किया। ठीक है, एंड और फ्यूचर, और किस चीज को रूल आउट कर देती है वो, फ्यूचर, ये है फ्यूचर डैमेजेस को रूल आउट कर देती है, फ्यूचर एडवांटेजेस को, फ्यूचर फैसिलिटीज को, या फ्यूचर फ्यूचर क्वालिटीज को, कौन सा लेना चाहेंगे, हिंदी समझेंगे समझ पाएंगे आप, ये जो वाइज सेइंग है उससे पता चलता है कि एन अप्रोप्रिएट एक्शन, कि कोई उचित कार्य टेकन ऑन टाइम, जो आपने सही समय पे कार्यवाही की हो, टू रेक्टिफाई एन एरर, उस गलती को सुधारने के लिए, रूल्स आउट, वो आपका सही कदम जो है, रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच, ऐसी कई सारी गलतियों के संग्रह को क्या कर देता है, उनकी संभावना को खत्म कर देता है, एंड और किस चीज को खत्म कर देता है, फ्यूचर डैमेजेस को, यानी भविष्य के नुकसान को खत्म कर देता है, या भविष्य के लाभ को खत्म कर देता है, या भविष्य की सुविधाओं को खत्म कर देता है, या भविष्य के गुणों को, अगर आप सही समय पे एक्शन लेंगे तो भविष्य के लाभ या सुविधाएं या गुण कैसे खत्म होंगे, भविष्य का क्या खत्म होगा, नुकसान, यानी भविष्य में जो नुकसान होने वाला रहेगा वो भी रूल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने सही समय पे क्या उठाया, कदम उठाया। ठीक है, यहां बताएं क्या होगा, विजडम देयर फॉर लाइज, यानी बुद्धिमत्ता इसलिए निहित होती है इन करेक्टिंग द एरर, उस गलती को सही करने में, एज सून एज इट इज, जितनी जल्दी हो सके, इट इज मैनेज, जितनी जल्दी वो व्यवस्थित हो सके, जितनी जल्दी आप उसका आविष्कार कर सकें, जितनी जल्दी आप उसको प्रपोज कर सकें, या जितनी जल्दी उस गलती को आप डिस्कवर कर सकें, क्या लेंगे आप, एक तो खत्म कर सकते हैं ना आप, इन्वेंटेड नहीं होगा ना, क्या गलती को आविष्कार करेंगे क्या, नहीं, क्या गलती को आप प्रपोज करेंगे क्या, नहीं, अब मैनेज्ड और डिस्कवर्ड बताएं कि क्या हिंदी निकल रही, यानी बुद्धिमत्ता इस चीज में निहित है कि आप जल्दी से जल्दी उस गलती को खत्म कर लें, जैसे उस गलती का क्या चले, आपको पता चले, यही ना, जैसे उस गलती का पता चले, डिस्कवर हो, वैसे उस गलती को क्या कर दें आप, दूर कर दें आप।
देयर इज नो पॉइंट इन अलाउिंग द डैश टू ग्रो, यानी इस चीज को बढ़ने देने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। किस चीज को बढ़ने देने का? रेमेडी को, उपचार को, उपचार तो जितना बढ़िया है बढ़ता रहे, पैरोडी को यानी किसी हास्य अनुकृति को या किसी व्यंग वगैरह को, हास्य व्यंग को कोई मतलब नहीं यहां पे है। इस मेलोडी को यानी इस मधुरता को बढ़ते रहना देना, बढ़ते रहने देना देने में कोई बिंदु नहीं, कोई पॉइंट नहीं है, ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे। रेमेडी को बढ़ने देने का कोई पॉइंट नहीं, बच्चों रेमेडी तो बढ़े तो अच्छी बात है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? इस मेलोडी को बढ़ने देने का कोई पॉइंट नहीं है, ये आंसर है आपका। मेलोडी मीन्स क्या होती है? कोई बीमारी, कोई रोग, ठीक है, कोई मुसीबत। तो कह रहे हैं देयर इज नो पॉइंट इन अलाउिंग द मेलोडी टू ग्रो, यानी इस बीमारी को बढ़ने देने का कोई कारण नहीं है। एंड देन टेक हास्टी एक्शन, और फिर अगर आप इसे बढ़ने देते हैं तो फिर आपको जल्दीबाजी में कदम उठाना पड़ेगा ताकि वो चीजें दुरुस्त हो सके। ठीक है, फिर इस सारे पैसेज को देखिएगा अच्छे से, पांचों पॉइंट्स को, और बेहतर कर लेंगे आप। यहां आपको फिल इन द ब्लैंक चूज करना है। शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। काश कि आपको ऐसा कोई मिले जो रेस्टोरेंट पे बिल पे करने के लिए क्या करता हो, सजेस्टेड करता हो, इंसिस्ट करता हो, रिक्वेस्ट करता हो या ऑफर करता हो। ये बच्चों यहां आन एक क्लू है, जिन बच्चों ने मेहनत की होगी वो बता लेंगे यहां पे क्या आंसर होगा। शी सजेस्टेड ऑन पेइंग, क्या आपको लगता है कभी आपने सजेस्टेड ऑन पेइंग यूज किया है? सजेस्टेड नॉर्मली दैट क्लास लेता है, या अगर रिक्वेस्ट के सेंस में है तो टू ले सकते हैं आप, तो यहां तो कुछ ऐसा है नहीं आपका। सी इंसिस्टेड ऑन, मुझे नहीं लगता आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने ग्रामर पोर्शन में थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो आपको याद है, जरूर टीचर ने बताया है कि आप इंसिस्ट ऑन या इंसिस्ट अपान का प्रयोग करते हैं, और इंसिस्ट ऑन मीन्स होता भी है जोर देना, किसी चीज पर बल देना, ज्यादा आग्रह करना। तो शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, यानी यहां ऑफर तो करेगी नहीं पे करने के लिए, तो उसने जोर दिया, इंसिस्ट किया कि हां वह उस बिल को क्या करेगी, पे करेगी। रिक्वेस्ट अगर रहता तो रिक्वेस्ट इन्फिनिटिव लेता, आन प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं लेता, और ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, काम आएगा आपके। आपको सरनेम बताना है प्रिवेंट का, आना चाहिए बच्चों आपको प्रिवेंट का सरनेम क्या होगा। अलाउ, अवर्ट, अलाउ, कॉन्स्ट्रक्ट या प्रोवोक, क्या होगा? अवर्ट मीन्स किसी चीज को टाल देना, रोक देना होने से, अलाउ अनुमति दे देना, कॉन्स्ट्रक्ट निर्माण करना, प्रोवोक उकसाना, भड़काना, एक्साइट करना, किसी को इंस्टिगेट करना, कर लेंगे। प्रिवेंट मीन्स भी क्या होता है, रोकना, तो अवर्ट मीन्स भी क्या होता है, किसी घटना को टालना या अपनी निगाह हटाना। तो प्रिवेंट का सरनेम क्या हो जाएगा, अवर्ट, क्योंकि अलाउ, कॉन्स्ट्रक्ट और प्रोवोक जो है वो कहीं से भी प्रिवेंट के सरनेम नहीं होंगे। इडियम है आपका डेड हीट, क्या होगा डेड हीट का इडियम का कौन सा होगा? स्ट्रांग अपोजिशन टू वंस आइडियाज, यानी किसी अपने विचारों का स्ट्रांग अपोजिशन, बहुत अधिक विरोध। क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, एक ऐसा कॉन्टेस्ट, एक ऐसी प्रतियोगिता जो टाई में समाप्त होती हो। और डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, हॉट एयर, बहुत तेज गर्म हवा चल रही हो, और स्ट्रांग हीट वेव, वही चीज एक तरह से तीसरा वाला ऑप्शन, कौन सा लेंगे डेड हीट का? डेड हीट क्या होता है पता है बच्चों? कोई रेसिंग जो होती है स्पोर्ट्स में, जो रेसिंग होती है उसमें जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो एकदम नेक टू नेक उनका परफॉर्मेंस होता है, और इतना नेक टू नेक होता है कि जज के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन इसमें पहला और दूसरे नंबर पे है। तो फिर उसके लिए कहीं ना कहीं ज्वाइंट रैंकिंग तय करनी होती है, और वो गेम टाई हो जाता है, उनका परिणाम जो रिजल्ट होता है वो टाई हो जाता है। दिस इज क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, तो याद कर लेंगे डेड हीट, क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, यानी एक ऐसी धमाकेदार यानी नजदीकी प्रतियोगिता जिसका अंत किसमें होता है, टाई में होता है, यानी कोई भी उसमें विजेता एक नहीं हो पाता है।
चलिए मैं आपको वक्त दे रहा हूं और बताएं इस जंबल्ड सेंटेंसेस को कैसे अरेंज करेंगे आप, देख लें बच्चों। क्लूज लेंगे, कॉमन सेंस यूज करेंगे तो कर लेंगे। वी आर गोइंग टू द मार्केट, डिक्लेयर्ड रितु एंड गीतु, इन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया। वेयर आर यू गोइंग, द फादर आस्क्ड, उनके पिता ने पूछा कहां जा रहे हो। टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन, द मदर शेड, माने ऐसा कहा। यस डेफिनेटली वी विल, हाँ निश्चित ही हम ले लेंगे, रिप्लाइड द टू, उन दोनों ने उत्तर दिया। कॉमन सेंस लगाएं बच्चों, तुरंत आप एक दो पॉइंट से आप आंसर ढूंढ कर सकते हैं, इसका ढूंढ सकते हैं आप क्या आंसर होगा। सारे बच्चे जवाब दें, यहां पे देखें अच्छे से पढ़ लें आप, और बच्चे जवाब दें। बोले बच्चों क्या आंसर लेना चाहेंगे आप। We are going to the market, declared Ritu and Geetu. इन्होंने कहा कि हम बाजार जा रहे हैं। Where are you going? The father asked. ये तो कभी नहीं हो सकता है कि ये कह रहे हो कि हम बाजार जा रहे हो और इनसे पूछा जाए कि तुम कहां जा रहे हो। जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन पहले आया होगा, Where are you going? और तब उसका जवाब आया होगा कि हम बाजार जा रहे हैं। नहीं, जब भी आएगा बी के बाद ए आएगा, यही ना, बी के बाद ए, देखते हैं। बी के बाद ए नहीं है, बी के बाद ए नहीं है, बी के बाद ए नहीं है, हो गया बच्चों बी ए, देख लें। और दूसरा क्लू आपके पास क्या है, टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन, मदर ने कहा। यस डेफिनेटली वी विल, हां निश्चित ही हम ले लेंगे। जब भी आएगा सी के बाद डी आएगा, जब भी आएगा सी के बाद डी आएगा, देख लें सी के बाद डी भी आपका, ऐसे बिल्कुल ईजी बच्चों, मेहनत करेंगे ना तो सीजल प्री लेवल पे आप आराम से बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार कॉमन एरर्स में भी इस पर दिया गया आपको। आपको ये बताना है कि द एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट, रिजेंबल्ड, एक मिनट बच्चों ये पहले यहां विद तक जोड़ दें आप, रिजेंबल्ड विद तक रहेगा यहां तक, ठीक है। बताएं रिजेंबल्ड विद नो इंप्रूवमेंट है, खुद सही है, या किसी की आपको जरूरत पड़ेगी। बोले बच्चों देख लें, सोचें क्या कौन सा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है यहां पे। देखें ये सामने मैं वर्ड्स लिख रहा हूं बच्चों, इसे तैयार कर लीजिएगा आप। देखिए कभी भी आपको असिस्ट का प्रयोग करना हो, रीच का प्रयोग करना हो, अफोर्ड का प्रयोग करना हो, रिक्वेस्ट का प्रयोग करना हो, अर्ज का प्रयोग करना हो, कमांड का प्रयोग करना हो, और आर्डर का प्रयोग करना हो, इम्प्लोर का प्रयोग करना हो, एडवाइस का प्रयोग करना हो, और इनके बाद आपके पास क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो आप इनके पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी कड़ी में आपका ये वर्ड भी जुड़ जाता है, रिजेंबल। रिजेंबल क्या होता है, रूप रंग में समान होना, ठीक है। तो जब रिजेंबल के साथ किसी प्रीपोजिशन को आपको लेना ही नहीं होता है तो व्हाट इज द नीड ऑफ विद, यानी यहां क्या होना चाहिए था, केवल रिजेंबल्ड। तो क्या हो जाएगा यहां, फिनिश फिनिश रिजेंबल, ठीक है, याद कर लीजिएगा, वर्ब से काम आएगा। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी इनडायरेक्ट में है, आपको डायरेक्ट चूज करना है। कॉमन सेंस लें क्लूज के सहारे, द टीचर कमांडेड, ठीक है। और देखिए संयोग से कमांडेड के बाद, देखिए बच्चों कोई टू या कुछ नहीं लगा है ना, कमांडेड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, कमांडेड द स्टूडेंट्स। कमांडेड द स्टूडेंट्स का पहला अर्थ आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि सेंटेंस क्या रहा होगा, इंपरेटिव रहा होगा, यही ना, कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट, यह भी बता रहा है इंफिनिटिव कि सेंटेंस इंपरेटिव रहा होगा। द टीचर टोल्ड टू, ऐसी कोई अवस्था नहीं है जहां एक्टिव वॉइस में आप टोल्ड टू का प्रयोग करें तो इन्हें खत्म करते हैं। वैसे देखिए इंपरेटिव नहीं है आपका ये, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट शाउट, हो सकता है जिन बच्चों को लगता है सेड टू है, बिल्कुल जब आप डायरेक्ट स्पीच में रहेंगे तो सेड टू ही तो रहेगा ना। द टीचर सेज, फिनिश कर दें, क्यों,
क्योंकि यहां कमांडेड है तो यहां सेज कैसे रहेगा, सेड होना चाहिए था। फिनिश करें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सही है, यू शुड नॉट शाउट, तो यू शुड नॉट शाउट में नॉट टू शाउट कैसे आ जाएगा, इंपेरेटिव तो है नहीं आपका ये, यानी ये भी फिनिश करते हैं। हमारे पास क्या है ऑप्शन आपका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट शाउट, और एक चीज ये डोंट शाउट जब बनाएंगे आप तो यही होगा ना, द टीचर अर्ज्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, दूसरा आंसर हो जाएगा आपका। आपको ग्रामेटिकल एरर छांटना है, मीन्स कॉमन एरर बताना है। द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस, यानी वो लड़का जिसने पैसे चुराए थे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, क्या गलत है बच्चों, तुरंत पलक झपकते ही आना चाहिए आपको, क्या गलत है इसमें, बोले। और बच्चे जवाब दें, जितने बच्चे जवाब देंगे आपको फायदा होगा, आपकी अपनी तैयारी होगी बच्चों। द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस, वॉज कॉट बाय द पुलिस, ये तो सही है पैसिव वॉइस में, कौन पकड़ लिया गया, वो बच्चा, बच्चा सिंगुलर है तो फिर वॉज कॉट सही है, बाय द पुलिस भी सही है। स्टोल द मनी, जिस लड़के ने पैसे चुराए, ये भी सही, स्टोल द मनी। द बॉय, वो लड़का जिसने पैसे चुराए, तो जिसने पैसे चुराए ये यहां क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है तो किसके लिए आपने लिया, बॉय के लिए, बॉय के लिए विच कैसे लग सकता है बच्चों, क्या लगना चाहिए था यहां पे, हु, ये ना, द बॉय हु स्टोल द मनी होना चाहिए था, इसे समझ आएंगे आप। ये भी ग्रामेटिकल एरर आपका है। सरस्वती कॉलेज has maintained its reputation as one of the best colleges in the country. ये भी इसी में है, college in the country. क्या गलत है बच्चों? देख लें। सरस्वती college has maintained, has के साथ verb की third form, मुझे नहीं लगता कोई गलती है, has maintained its reputation, its किसके लिए है? College के लिए है, तो its ही रहेगा, सही है। Its possessive case है, तो noun है, its reputation, ये भी सही है। एज किस रूप में मेंटेन किया है उसने, एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, अब तो बच्चों आना चाहिए आपको ना, मैंने भी कल या परसों ही कहा था, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज प्लूरल नाउन है क्या यहां, नहीं है, यहां कॉलेज के बजाय क्या होना चाहिए था, कॉलेजेस होना चाहिए ना, यानी आपका कौन सा पोर्शन गलत यहां पर है, ये आपका सरस्वती कॉलेज वन, पहला वाला, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज नहीं होगा, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लें, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वन ऑफ द लीडर लिख के दिया था, याद करें पहले सेट में, तो मैंने कहा था वन ऑफ द लीडर्स होगा, या वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज नहीं होगा, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हो जाएगा। वन वर्ड आपको चूज करना है बच्चों, मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, यानी वो नैतिकताएं जो किसी के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, वो नैतिकताएं साइकोलॉजी होती हैं, मनोविज्ञान होती हैं, एथिक्स होता है, नीति विज्ञान होता है, एटीट्यूड होता है, आपका दृष्टिकोण होता है, या इंट्यूशन होता है, मीन्स आपका सहज ज्ञान होता है, मीन्स एक तरह से कॉमन सेंस जिसको आप कह सकते हैं, क्या सही है? आपके मॉरल्स को, मतलब वो नैतिकताएं जो होती हैं, जो आपके बिहेवियर को गवर्न करती हैं, उन मॉरल्स को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी, नहीं, साइकोलॉजी क्या है, मन का विज्ञान है, एथिक्स नीति विज्ञान, बिल्कुल। मॉरल्स तो जो आपके व्यवहार को गवर्न करते हैं, उन मॉरल्स को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, एथिक्स के अंतर्गत। एथिक्स क्या होता है, नीति विज्ञान, मीन्स नैतिक विज्ञान, जो आपको नैतिकताएं सिखाए कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, दिस इज एथिक्स, तो यही तो बात की जा रही थी ना, मॉरल्स की ही। ओके, सिनोनिम चूज करना है रिवियर का, रिवियर का सिनोनिम क्या होगा, बोले बच्चे क्या होता है रिवियर, मींस याद है आपको, रिवियर मींस होता है किसी के प्रति आपका अगाध सम्मान, जब किसी के प्रति आपके मन में अगाध सम्मान, बहुत अधिक सम्मान है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति
रिवियर है और वो व्यक्ति रिवरेंट है जिसके प्रति सम्मान है, तो सम्मान तो समझ सकते हैं ना, रिस्पेक्ट यही हो जाएगा। रिपीट, एंजॉय, कॉन्डेम कोई मतलब नहीं है। फिल इन द ब्लैंक है आपके पास। द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी, यानी जो दूल्हा था वो वेडिंग सेरेमनी के लिए इसके सामने खड़ा हुआ एट द चर्च, चर्च में। तो ये अल्टर होगा या ये अल्टर होगा। एटलस यानी जो मानचित्र की पुस्तक होती है उसके सामने खड़ा हुआ क्या, फिनिश कर दें। एटिक किसी अटारी के सामने, जो कमरे वगैरह में होता अटारी, उसके सामने खड़ा हुआ क्या, नहीं। इन्हीं दोनों में से आपको बताना है ये अल्टर होगा या ये अल्टर। अगर आप मेहनत किए हैं तो बिल्कुल ईजी होना चाहिए, तुरंत किसके सामने खड़ा हुआ होगा, इसके सामने जिसके मीन्स होता है बदलना, चेंज करना, या इसके सामने जिसके मीन्स होता है कोई वेदी जहां पे बलि चढ़ाई जाती हो, पूजा की जाती हो, जहां से वो वेदी, तो वेदी के सामने खड़ा हुआ अल्टर, दिस इज अल्टर, ALTAR हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, यानी खुले तौर पे बिल्कुल आप दिए गए आदेश को क्या दे देते हो, मना कर देते हो कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो क्या है, ओबीडियंस, डिफायंस, कंप्लायंस या एडहेरेंस, मीनिंग्स आ रही हो तो तुरंत कर सकते हैं आप। दिए गए आदेश को आप चुनौती दे दें, मानने से इनकार कर दें बिल्कुल खुले तौर पे, तो ओबीडियंस कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, नहीं ना। डिफायंस कर रहे हैं क्या, ये डिफायंस किससे बना है, डिफाई से, ध्यान रखिएगा एक और डिफाई होता है ये DEIFY, इस डीफाई मीन्स क्या होता है, किसी मनुष्य को देवता की तरह पूजना, ये डिफाई होता है। इसी से एक वर्ड आप जानते हैं जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे या कहीं भी अच्छे पढ़े होंगे, डेट, DEITY, कोई मनुष्य जो देवता तुल्य होता है वो डेटी होता है, तो DEIFY मनुष्य को देवता की तरह पूजा करना। लेकिन ये DEFY है, यहां आई नहीं है, इस डिफाई मीन्स क्या होता है, चुनौती देना, ललकारना, यानी किसी का कहना मानने से इनकार कर देना, उसकी अवज्ञा कर देना, इसी से नाउन बन गया डिफायंस, अवज्ञा, तो यही तो है ना, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, तो क्या हो जाएगा, डिफायंस, अवज्ञा, न मानना किसी की बात को। कंप्लायंस तो मानना होता है एक तरह से, किसी के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं तो कंप्लाई विद कर रहे हैं, वही कंप्लायंस है, और एडहेरेंस भी वही है, फॉलो करना एक तरह से, होल्ड टू करना, यानी क्या हो जाएगा, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, डिफायंस, अवज्ञा, चुनौती। ये फिर से आपका जंबल सेंटेंसेस है, अरेंज करिए अपने से, देखें आप, इवेंचुअली और कॉमा है बच्चों यहां पे, शी ओवरकेम एडवर्सिटीज एंड अचीव्ड सक्सेस, यानी उसने अपनी मुसीबतों पर विजय प्राप्त की और सफलता प्राप्त कर लिया। शी इंगेज्ड हरसेल्फ इन अर्न व्हाइल यू लर्न, यानी आप पढ़ाई करते हुए भी कमाई करें, उसने उस चीज में अपने को इंगेज किया, फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज, और ये जो फाइनेंस स्कीम थी उसके कॉलेज में, उसमें उसने अपने आप को इंगेज कर लिया। शी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, समझ रहे होंगे आप, रमा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, कॉमन सेंस लेंगे तो कुछ एक सेकेंड्स में, 2 से 3 सेकेंड में आप कर लेंगे कि हर एक में शी है, शी, हर एक में शी है, हर एक में शी है, लेकिन एक में रमा है, ये शी किसके लिए है, रमा, तो शी तो तभी आएगा ना जब पहले आप उसका नाउन ले रहेंगे, और यहां बताया भी जा रहा है रमा वाज अ पुअर गर्ल, इसके बाद वो सारी घटनाएं आ रही हैं, जब भी आएगा पहले डी आएगा, हो गया आंसर बच्चों, देख लें, डी यहां पे है, डी यहां है, डी यहां है, डी यहां है, नहीं, केवल एक में डी से वाक शुरू हो रहा है, ये क्लू है आपका, ठीक है, जब भी नाउन आएगा तभी उसके बाद उसका प्रोनाउन आएगा ना, तो शी किसके लिए था, रमा के लिए, और रमा यहां है, डी वाले में है, तो पहला जो पोर्शन होगा आपका ऑप्शन में वो क्या होगा, डी होगा, और संयोग से पहला, पहले में ही डी है, बाकी किसी में है ही नहीं कि आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत दे जाएंगे CHSL और CCL में आपको, ठीक है, तैयार रहिए, इस तरह से प्रिपरेशन खोजते रहिए, क्लू खोजते रहिए आप। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एंटोनिम बताना है आपको, ब्रॉड का एंटोनिम क्या होगा, बिल्कुल आसान होना चाहिए, तुरंत
वाइड तो कतई नहीं होगा, वाइड भी ब्रॉड ही होता है। लार्ज तो मुझे नहीं लगता होता है, ब्रॉड मीन्स पे व्यस्त, तो लार्ज मीन्स पे बड़ा होता है। लॉन्ग भी मुझे नहीं लगता है कि होगा, लॉन्ग मीन्स भी बड़ा होता है, तो ब्रॉड मीन्स विस्तृत होता है। समझ गए होंगे आप, क्या हो जाएगा? नैरो। ब्रॉड मीन्स विस्तृत, तो नैरो मीन्स संकरा, संकुचित। ठीक है, तो प्रयास है बच्चों, आपको कैसा लगा ये प्रयास? मैं जानता हूं सारे लोग खुश नहीं हो सकते हैं, सबकी अपनी मंशाएं होती हैं। देखिए टीचर के पास कई सारी चीजें दिक्कतें होती हैं बच्चों। कुछ बच्चे चाहते हैं सर बहुत स्लो पढ़ाएं आराम से, कुछ बच्चे चाहते हैं सर थोड़ा सा स्पीड लेके चलें, सर क्या चाहते हैं ये उसी दोनों में पड़े रह जाते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा आपको समय दिया कि आप ये चीज़ें अपने से करें, जो हमने पहले भी मैं कराता रहा था प्रैक्टिस सेट्स में, तो आज मैंने वही तरीका अपनाया कि अपने से करें और फिर मैं इसके आंसर्स बताऊं। ऐसे आपकी भी अपनी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप कितने से, इसके लिए करें क्या, नेक्स्ट सेट्स जब मैं कराऊं तो आप क्या करें कि एक कॉपी ले लें और पेन ले लें, और जब मैं कहूं कि हाँ चलिए इसका बताइए क्या होगा, तो जो आपके आंसर्स होते हैं वो लिख लें आप, ए बी सी या पहला दूसरा तीसरा, और लास्ट में जब 25 क्वेश्चंस हो जाएं तो आप देखें कि आपने कितने सही किए हैं। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या हो रहा है, 18, 20, 17, 20, 22, 24, 25, तब उसके हिसाब से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे एडिटोरियल के सेक्शन में, और मैं फिर से दिल से कहना चाहूंगा सपोर्ट करें मुझे बच्चों, सपोर्ट करें, अन्य बच्चों को धीरे धीरे जोड़ते जाएं, ताकि मैं भी आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनकरेज्ड होता रहूं बच्चों। और ये सारी चीज जरूर पढ़ा करें। लास्ट में मैंने प्लीज सपोर्ट टू आवर टीम भी दिया है बच्चों, तो आप कहीं ना कहीं देखें मेरा यूपीआई नंबर है। जो भी बच्चे चाहते हो कि टीचर को सपोर्ट करना है, बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत होती है हम लोगों को, तो उन सुविधाओं के लिए हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर यूपीआई कर सकते हैं। जो भी आपकी क्षमताएं हो उस हिसाब से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। हमेशा खुश रहें आप, और इसी तरह अपना सपोर्ट, अपना समर्थन बनाए रखें। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।